करवाई थी सितंबर में, तो अब चल रहा है फरवरी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने होने वाले हैं। तो चंडीगढ़ का व्लॉग था आई थिंक, हाँ, और ये इनका दोस्त, तो जल्दी से ये व्लॉग एडिट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग देखते हैं कैसा जाता है, अभी कुछ नहीं पता आज क्या करने वाले हैं क्या नहीं, बट यस सुबह के बज गए हैं 10 और हवा बहुत चल रही है आज और दरवाजे ठाँ ठाँ बज रहे हैं। सो यस, आदू को स्कूल भेज दिया है, यूमिन अभी सो रहा है तो जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। नाश्ते में मैं सोच रही हूँ कि आज पनीर की भुर्जी बनाती हूँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा सब्जी का क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो पनीर पड़ा है, फटाफट से भुर्जी बनाते हैं एंड उसके साथ बनाऊँगी रोटियाँ, बस नाश्ता बना के फिर मिलते हैं। और आज मैं हेयर वॉश भी करूँगी अपना, क्योंकि बहुत दिन हो गए। और ये मेरी जो स्वेट शर्ट है ना, ये बहुत ही बेकार वाली स्वेट शर्ट है, ये सिर्फ मैंने घर के काम करने टाइम पे डालती हूँ, क्योंकि रोटी रोटी बनाते हैं ना तो वो आटा लग जाता है सारा, तो बर्तन धोते टाइम गिल्ली हो जाती है, तो बाकी की स्वेट शर्ट्स मैं नहीं डालती हूँ। सिर्फ यही स्वेट शर्ट आप मुझे देखते होगे घर पे डाले हुए, क्योंकि ये गंदी हो भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये थोड़ी सी बाजू बुजू से ऐसी हो रखी है, ख़राब सी हो रखी है। तो यस, आज हेड वॉश भी करना है, और कितने दिन हो गए सोच रही हूँ थ्रेडिंग करवा के आऊँ, अपर लिप्स करवा के आऊँ, मैंने लास्ट टाइम करवाई थी सितंबर में, तो अब चल रहा है फरवरी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीने होने वाले हैं। सो यस, अब तो जाके करवानी पड़ेगी, तो बस जल्दी से नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद कुछ करते हैं। तो भाई सबसे पहले सब्ज़ी बनाने से पहले मैंने थोड़े से तेल में पापड़ फ्राई कर लिए थे, बिकॉज मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी कोई सब्ज़ी बनाने लगती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा कोई चीज़ फ्राई करनी है तो मैं उसी में ही फ्राई कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा ऑयल भी वेस्ट नहीं होता है। एंड यस, पापड़ थोड़े से फ्राई कर लिए मैंने, और ये बिल्कुल थोड़े से पापड़ बचे हुए थे तो मैंने कहा ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं इसे। और फिर उसके बाद मैंने बना ली पनीर की भुर्जी, बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी ना समझ में आए तो आराम से आप बना सकते हो। जैसे नॉर्मली हम सब्जियों को तड़का लगाते हैं वैसे ही प्याज डाल लिए, जीरा डाल लिया और साथ में नमक डाल दिया, फिर उसके बाद टमाटर अदरक हरी मिर्च अच्छे से भून लेना है, इसमें मसाला अच्छे से भुना हुआ हो तभी मज़ा आता है, अगर कच्चा मसाला होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिए थे मटर, आप चाहे तो मटर को स्किप भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें शिमला मिर्च भी डाल लेते हैं बट हस्बैंड नहीं खाते तो इसलिए मैंने नहीं डाली, तो अगर शिमला मिर्च डाली हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस उसके बाद पनीर को आप काट के भी डाल सकते हो, बट इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा सा मैश करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड बस आज मैंने थोड़ा सा इसमें दूध भी डाल दिया था, इसमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, और ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो थोड़ा सा आप दूध भी ऐड कर सकते हो तो थोड़ी क्रीमी क्रीमी सी बनती है और अच्छी लगती है, तो बाहर से क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। तो गाइस रोटी बना ली और यहाँ पे एडिट कर रही हूँ मैं व्लॉग, क्योंकि हस्बैंड बोल के गए थे कि ये व्लॉग एडिट होना चाहिए आने तक, तो ये व्लॉग एडिट करती हूँ फटाफट से। और ये था मिस्टर चंडीगढ़ का व्लॉग था आई थिंक, हाँ, और ये इनका दोस्त, तो जल्दी से ये व्लॉग एडिट करते हैं। तो नाश्ता बन चुका है और यूविन अभी सो रहा है, व्लॉग भी एडिट कर दिया, मतलब दो एडिट करने थे, एक मिनी व्लॉग एक यूट्यूब के लिए, तो मिनी व्लॉग तो एडिट हो गया है, और तब तक मैंने कहा नाश्ता कर लेती हूँ, बिकॉज अगर यूविन उठ गया तो मुझे कुछ भी नहीं खाने पीने देगा, तो जल्दी से मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद बाकी के काम करूँगी। पनीर की भुर्जी साथ में रोटी कब आते। हेलो गाइस, आप भी हेलो कर दो। हेलो गाइस। तो बस उसके बाद खाना खाने के बाद, यूविन के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद और उसको सुलाने के बाद मैंने की किचन की थोड़ी बहुत सी सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा खलेरा मचा हुआ था तो सोचा जल्दी से सफाई कर लेते हैं। एंड फिर करी लंच की तैयारी, और लंच में मैंने बनाई थी मूंगी मसूर की दाल, मूंगी मसूर की नहीं मूंगी धुली की, क्योंकि ऑरेंज वाली से मुझे एलर्जी हो जाती है तो हम मूंगी धुली की सिर्फ येलो वाली दाल ही बनाते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी, जब भी कुछ ना समझ में आए जल्दी जल्दी वाली कुछ काम करना हो तो इस तरह से दाल और साथ में चावल बना लो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एंड हरा धनिया डालना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत यम्मी लगती है।
तो बस गाइस, अभी हो गया है रात का टाइम और सोने का टाइम हो गया। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड डे था आज। तो तबीयत भी ठीक ठीक सी है, बहुत ज़्यादा अभी ठीक नहीं हुई है, फ़र्क नहीं पड़ा इतना। और यहाँ पे यूविन भी बस सोने की तैयारी में है और जल्दी से सोते हैं। और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।